المعصومين المظلومين بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان صلوات پڑھے محمد والے محمد आज़ादारा ने हुसैन गुलिस्तान हिंद बॉम्बे की ये 10वीं मजलिस है, 10th मजलिस है और इस अशरे की ये आखिरी मजलिस है। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने 10 दिन से मुसलसल इन मजालिस में जहमत की, तशरीफ लाए वक्त पर और कुछ बातें सुनी, उस पर अमल किया। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल, बिलीव मी। ख़ास तौर पे मैं जो ये बॉम्बे का यूथ है जो मुझे सुन रहा है, उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह आप सबको सलामत रखे इंशाअल्लाह और आपकी तमाम शरई हाजात को पूरा करे इंशाअल्लाह और ईमान के साथ रहें आइंदा साल तक इंशाअल्लाह। खबर इसके कि मैं कुछ आपकी खिदमत में मारूज़े करूं, इसलिए कि मजलिस के फौरन बाद मेहंदी होगी तो दुआ का वक्त नहीं होगा। आप लोग एक सूरह फातिहा पढ़ लें, मैं नाम ले रहा हूं, उन नामों में सूरह फातिहा पढ़ लें, इसलिए कि मजलिस के बाद बिल्कुल वक्त नहीं होगा। मरहूम मोहम्मद रज़ा भाई प्यार अली शरफ, मरहूम प्यार अली भाई, मरहूम प्यार अली भाई बकर अली शरफ, मरहुमा गुल बानो भाई बिनते अली नैयर अली गांधी शरफ फैमिली और गुलिस्तान हिंद के तमाम मरहूमीन, अपने अपने मरहूमीन। और आज इसकी पहली रात है और तमाम उलमाए दीन, जाकिरीन, मुश्तहदीन, मर्जाए आलम, उन सब के लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाह अली खासिम फैजल फैजल बॉय, इनके लिए भी पढ़ दें प्लीज। आज़ादारा ने हुसैन सूरह मुबारक रहमान की यह मुख्तसर सी आयत जिसका मैंने एक जुज़ पेश किया कि कुल्लो मन अलैहा फान, अल्लाह वेरी वेरी क्लियर ऐलान है, साफ ऐलान कर रहा है कि हर चीज़ फना हो जाएगी, कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी। एक वक्त, एक दिन, एक लम्हा, एक वक्त ऐसा आने वाला है इस दुनिया में कि जब सूर फूका जाएगा तो हर चीज खत्म हो जाएगी। एंड वी हैव टू वेट फॉर दैट डे, दैट इज कॉल्ड डे ऑफ जजमेंट। जिस दिन को अल्लाह हर नमाज में 10 मरतबा याद दिला रहा है दिन भर में, मालिक यौमिद्दीन, मालिक यौमिद्दीन कहकर। मैंने इसकी डिटेल आपकी खिदमत में पेश की थी कि वो दिन, लेकिन उस दिन का जो आगाज होगा, वो दिन जब एंड होगा, उसका आगाज, उसका स्टार्ट कब होगा दुनिया में, मतलब हम कब स्टार्ट करेंगे वो दिन को, हमारे लिए जो ये लाइफ का जो लास्ट डे होगा ना इस दुनिया का, वहां से फिर उस दिन का वो हमारे लिए करीब हो जाएगा। उसी के बारे में 10 दिन से मैं आपकी खिदमत में मारूज़े कर रहा हूं कि व्हाट टू टेक एंड व्हाट नॉट टू टेक टू द ग्रेव, हम खबर में क्या लेके जाए और क्या नहीं लेके जाए। इस टॉपिक पे 10 दिन से आपकी खिदमत में मारूज़े थे, कई बातें मैंने बताई और आई एम सो हैप्पी, बिलीव मी। मैंने वो SMS मोमिनीन को भी बताया यहाँ पर कि जो कल के बाद जो रिस्पॉन्स आया उन ख़वातीन से, उन लड़कियों से, उन लड़कों से, आई सल्यूट देम, बिलीव मी, कि जिन्होंने अहद किया, मकसद मजलिस पूरा हुआ, बिलीव मी। जो गुलिस्तान का मकसद था ना, 10 दिन रोज आना, घर से आप थक के आधे आधे एक एक घंटे की ड्राइव करके आ रहे हैं, देन यू आर गोइंग बैक 12 बजे, देन सुबह में आपका ऑफिस है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं,
आपका इतना बिजी स्केड्यूल के बाद भी आप डेली मजलिसों में आ रहे हैं, तो इसका एवरी डे बिलीव मी, इस साल का अशरा अजीब अंदाज से निकला के इतना अच्छा रिस्पॉन्स। आई हैव गॉट एट ऑल द SMS फ्रॉम द पीपल। 16 ईयर्स ओल्ड गर्ल ने कहा कि वी हैव स्टॉप लिसनिंग म्यूजिक, मैंने कल ही हम लोगों ने अहद किया खत्म, अब हम नहीं सुनेंगे। अब आप देखें कि अगर 16 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे घर में ये रिवोल्यूशन लाए, ये इनकलाब लाए, इफ दे स्टॉप लिसनिंग म्यूजिक विच इज रियली के इट हर्टिंग था वो कि यजीद की सीरत है, यजीद की सिफत है म्यूजिक का सुनना, इसलिए कि उसका पूरा जो ननियाल था वो म्यूजिक सुनता था, तो इसलिए उन लोगों ने स्टॉप किया कि आज से हम वो करेंगे जो हुसैन चाहता है। तो आप क्या समझ रहे हैं, आपकी खबर में अगर आप ये अहद करके जा रहे हैं कि परवरदिगार अब तक मैंने ये गुनाह किया था, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम गोइंग टू स्टॉप फ्रॉम टुडे, तो आपको अंदाजा नहीं है कि अल्लाह की बारगाह में अगर कोई बंदा खड़े रहकर ये अहद कर ले कि मैं आज के बाद कुछ नहीं करूंगा, अब तक जो मैंने गुनाह किया है उसे माफ कर दे, अब मेरी खबर में रोशनी दे दे, मेरी खबर को ठंडा कर दे, तो बिलीव मी ये चीज जो कैरी कर रहे ना, जब व्हेन दे रीच ओवर दे ना, खबर इस्तकबाल करेगी, खबर इस्तकबाल करेगी कि ऐसे लोग। इसलिए आपको पता है जब ऐसे मोमिन या मोमिना जब जाती है उस जमीन पे अपनी खबर में, ये मासूम का जुमला है, मेरा जुमला नहीं, जब ऐसे लोग चाहने वाले मौला के जो पायस होते हैं, जो चाहने वाले होते हैं, जो रियल चाहने वाले होते हैं, जो गुनाहों से पाक होके वहां जाते हैं, तो एक जमीन दूसरी जमीन पर, यानी एक खबर की जो जमीन है वो दूसरी पहलू की जमीन पर, उधर की जमीन पर फखर करती है कि मेरे दामन में वो आया है जो सही माना में सीरत हुसैन पे चलने वाला था, फखर करती है जमीन, प्राउडली कहती है कि मेरे दामन में वो आया जो अली वाला था, जो हुसैन वाला था। कल की रिवायत को याद करें, एक घंटा आधा घंटा वो कनीज उनके दरमियान में थी तो अल्लाह ने खबर के अजाब को उठा दिया। ऐसे लोग जब कब्रस्तानों में दफन होते हैं, ऐसे पायस लोग जब आराम बाग में जाते हैं, बिलीव मी मिंबर रसूल से कह रहा हूं, ऐसे मोमिनीन जब जाते हैं ऐसे कब्रस्तानों में जब दफन होते हैं, तो पूरे कब्रस्तान में खुशी की लहर दौड़ जाती, इसलिए कि उनसे मुलाकात के लिए पता नहीं कौन कौन आता है, और जब वो आता है तो इनकी वजह से दूसरी खबरों में रहमत आ जाती। तो ऐसे बनो, लेके जाओ, इसलिए कि वहां जाने के बाद कोई सहारा नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है। इन चीजों को हम नहीं छोड़ेंगे जिन चीजों की मैंने आपसे तकरार की। आज की मेरी आखिरी मजलिस है, कंक्लूजन है पूरे 9 दिनों का, 9 डेज का टोटल कंक्लूजन है कि हम अगर इन चीजों को छोड़ के नहीं जाते, मजलिसें आज खत्म हो गई, कल से आप इंशाल्लाह दूसरी मजालिस में शिरकत करेंगे, इसी तरह मुहर्रम गुजर जाएगा, फिर हम वही रूटीन में आ जाएंगे। एक चीज याद रखें, 2 महीने 8 दिन आप मुसलसल मजलिसें सुनते हैं, टीवी पे सुनेंगे मौलानाओं की मजलिसें, आप हुसैनियों में जाके सुन रहे हैं, इमाम बारगाह में सुन रहे हैं, घर में सुन रहे हैं, 2 months 8 days तक आपकी एक आदत हो गई पूरी, 2 months 8 days तक आपने कोई ऐसा काम नहीं किया, क्या काम किया 2 महीने 8 दिन। प्लीज गौर से सुने, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मजलिस, लास्ट मजलिस है, तो एक एक मिनट के लिए प्लीज इंपॉर्टेंट से सुने, कॉन्सेंट्रेट करके सुने, 2 महीने 8 दिन, 2 months 8 days, 95% घरों में वो म्यूजिक नहीं होती, वो इंडियन सॉन्ग्स नहीं होते, इंडियन मूवीज नहीं होती, कोई ऐसा काम हम नहीं करते, एहतियात करते, अरे मुहर्रम है, और कान से वही सुनते, कानों से क्या सुनते आप 2 महीने 8 दिन, या इमाम का जिक्र सुनते या नोहे सुनेंगे या मसाइब सुनेंगे या फजाइल सुनेंगे, प्लीज गौर से सुने मैं क्या कह रहा हूं, 2 महीने 8 दिन या गाने कोई नहीं सुनता, जिक्र इमाम, नोहे, मरसिए या मसाइब या फजाइल, आंख से क्या देखते हैं 2 महीने 8 दिन, आप कभी इस मोमिन के चेहरे को देखा, कभी इस इमाम बारगाह में जाके ज्यारत की, कभी किसी मजलिस में चले गए, कभी इन आंखों से मेहंदी उठते हुए देखा, कभी इन आंखों से आलम मुबारक की ज्यारत की, कभी आंखों से मौला अब्बास के आलम को उठाया,
यही देखा दो महीने आठ दिन, आंख से वही देखा, कान से वही सुना। आप जब तक ये अमल करते रहे, मादर हुसैन आपको दुआ देती रही कि ये मेरे बच्चे के आजादार है। आपसे मैं सवाल करता हूँ, दो महीने आठ दिन जब आपको आदत हो गई, तो फिर जब 9 रबीउल अव्वल आए, 8 रबीउल अव्वल की रात आए, तो फिर 180 डिग्री का चेंज करके अपने आप को फिर पलट कर अगर वही आप 29 ज़िलहिज की तरफ चले गए, तो देन व्हाट इज द यूज ऑफ मुहर्रम? जब दो महीने आठ दिन नहीं देखा तो जस्ट लीव इट। बिलीव मी, जो मुहर्रम की ब्लेसिंग है ना, जो मुहर्रम की रहमत है ना, उस खबर में जाने के बाद एहसास होगा कि काश काश मैं मजलिसें ज्यादा करता, काश मैं हुसैन की बात ज्यादा सुन लेता, काश मैं हुसैन की आजादारी में ज्यादा शरीक होता, काश मैं हुसैन की बात पे अमल कर लेता, काश मैं ये गाने छोड़ देता, काश इन आंखों से वो मूवीज देखना छोड़ता, काश मैं किसी की गीबत करना छोड़ता। बिलीव मी, वहां जाने के बाद रिग्रेट मत करो, वहां पे नोबडी इज गोइंग टू हेल्प, नोबडी इज गोइंग टू हेल्प। हम होंगे और वो अंधेरी खबर होगी, हम होंगे हमारे आमाल होंगे। वहां पर बार बार आप कहेंगे अरे मुझे वापस भेजो, लेकिन कोई भेजने वाला नहीं है। उस वक्त रिग्रेट करेंगे, अपनी औलाद को देख के कहेंगे अरे मेरे बेटे मैंने तेरे लिए इतना किया, तू कुछ नहीं कर रहा। इसलिए कुछ नहीं कर रहा कि हमने जिंदगी हराम में गुजारी ना, हमने जिंदगी ये चीजों में गुजारी, हमने बच्चों को सिखाया कि गाने सुनो, हमने बच्चों को सुनाया इंडियन मूवीज देखो, हमने डाइनिंग टेबल पे बैठ के बैक बाइटिंग की, हमने घर में बच्चों के सामने लोगों पे एलिगेशंस लगाए, हमने ये गुनाह किया, तो अब हम वहां जाकर ये कर रहे। तो अब जो बेटा करता जा रहा है, बाप को उसका अजाब होता जा रहा है, बिकॉज यू हैव टीच हिम। टीच कौन करा? बच्चे को सिखाया किसने? जब बच्चे ने दाढ़ी काटी तो आपने रोका नहीं, जब आपकी बेटी बेहिजाब घर से बाहर निकली तो आपने कहा वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू कि तुम सोसाइटी में मूव कर रहे हो। अब याद रखो, जब तुम वहां जाओगे और बेटी बेहिजाब रहेगी, फरिश्ते पूछेंगे उस मां से, फरिश्ते पूछेंगे, सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले मुंह, फरिश्ते पूछेंगे। जब तक बेटी बेअमल है, बेटी जब तक बेपर्दा है, वो गाने सुन रही है, वो म्यूजिक सुन रही है, वो इंडियन मूवीज देख रही है, वो एलिगेशन लगा रही है, वो गीबत कर रही है, मां बाप को उसका अजाब हो रहा है कि तुमने सिखाया, यू टोल्ड देम टू डू इट। उस वक्त बाप पुकार के कहेगा मैं क्या करूं? मां अपने दांतों से अपने हाथ को काटेगी, मां आके बेटी को नहीं बोलेगी बेटे बेटी प्लीज स्टॉप इट। जब तक ये नस्ल बाद नस्ल चल रहा है, यू आर रेस्पॉन्सिबल। उसी तरह कोई नेकी सिखाओगे, अच्छी बात सिखाओगे, गुनाह से रोकोगे, हमारे बिल मारूफ करोगे, तो जब तक वो अमल करते रहेंगे उस वक्त तक तुमको अजर मिलते रहेगा। तुम्हारी बेटी सिर्फ हिजाब करेगी, तुम्हारी बेटी सिर्फ गाने स्टॉप करेगी, तुम्हारी बेटी बैक बाइटिंग नहीं करेगी, तुम्हारी औलाद कोई हराम गिजा नहीं खाएगी, जब तक वो करते रहेगी तुम्हें अजर मिलता रहेगा। वाइस वर्सा है, तब हम डिसाइड करेंगे हमारे घर के माहौल कैसे, हम डिसाइड करेंगे ड्राइंग रूम्स में हम क्या बात करते हैं, हम डिसाइड करेंगे डाइनिंग टेबल में जब बच्चों के साथ खाना खाते हैं व्हाट वी टॉक। You decide कि इस created माहौल को किसने create किया, इस माहौल को who has created this माहौल, we, then we have to suffer this, where not here, जमीन के ऊपर नहीं, 6 feet जमीन के नीचे। जमीन के ऊपर तो फिर भी कोई मदद करने वाला होगा, जमीन के 6 feet नीचे nobody is going to come over there, कोई आने वाला नहीं है। उस अंडरग्राउंड में all alone, हर तरफ इतनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, इतनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, दीवारों पे टाइल्स नहीं है, दीवारों पे नोकीले पत्थर हैं, जमीन के नीचे टाइल्स बिछे हुए नहीं है या कोई बिस्तर नहीं है जहां लेटे हुए,
उस अंधेरी दीवारों में छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो है उनकी आवाज ऐसे मालूम होती है कि जैसे कोई 1000 words का स्पीकर पे कोई बात कर रहा है। रिवायत का चिल्ला है कि इंसान कानों को पकड़ के कहता है मैं कहाँ आ गया। और सबसे बड़ी जो चीज है वहां पे गर्मी है, हीट है। यू कैन इमेजिन कि ऑक्सीजन लेने के लिए एक सुराख भी नहीं है वहां पे। वी आर ऑल अलोन ओवर देयर। बिल्कुल गर्मी है। रिवायत का जुमला है कि 24 घंटे के अंदर इंसान के जिस्म का पेट फट जाता है। आपको हुक्म क्यों नहीं है? इस्लाम क्यों मना करता कि एक दफा खबर बंद हो जाए तो खोलो मत? सख्ती से मना है, सख्ती से मना है। अनलेस कोई ऐसी बात आ जाए कि आपको खबर को खोलना पड़े। इसलिए कि अल्लाह सत्तारुल उयूब है, वो नहीं चाहता कि अजाब या कोई तकलीफ को दूसरे इसके देखे। 24 इवन मेडिकली साइंटिफिकली डेड बॉडी की जो सबसे पहले जो जिस्म का जो हिस्सा खत्म होता है तो फटता है वो पेट। इस पेट के लिए आपने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया इस पेट के लिए? हमने ये भी नहीं सोचा कि ये हलाल है या हराम है। हमने ये भी नहीं सोचा कि ये गजबी माल है या इसमें मेरा हक है। हमने हमेशा ये कोशिश की कि इवन हम खुम्स तो देते हैं लेकिन हमेशा ये कोशिश की कि उस खुम्स में भी कुछ शॉर्टकट्स निकल जाए। अगर मेरा खुम्स 10,000 बन रहा है तो 9,000 बन जाए, कहीं ना कहीं हिसाब आगे पीछे हो जाए। इस पेट के लिए, इस पेट के लिए बच्चों के मुंह में हमने हराम गजा डाली, विच वी हैव टू आंसर। मेरी प्लीज एक एक जुमले पर गौर करें। आप जस्ट मैं एक हेडलाइंस देके जा रहा हूँ। ये टॉपिक इतनी वास्ट टॉपिक है कि मुसलसल इस पर गुफ्तगु हो सकती है। मैं 10-10 अशे खाली इसी पे पढ़ सकता हूँ। मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, एक तालिब इल्म, लेकिन आई एम टेलिंग यू कि वहाँ पे इस पेट के लिए क्या नहीं किया। मासूम कहते हैं कि जब रूह आके अपने जिस्म को देखती है, खबर में जब कहा जाता है कि जा देख अपने जिस्म को, इसलिए कि जब देखती है तो कराहियत आती है, कहती यही जिस्म था जिसके लिए मैंने किसी का एहतराम नहीं रखा, मैंने कोई चीज़ नहीं की, इस जिस्म के लिए मैंने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया। मौला ने कहा, चौथे इमाम का अजीब जुमला है, चौथे इमाम कहते हैं कि अगर कोई इंसान बीमार रहता है और अगर डॉक्टर उसे मना कर दे कि जो ये गज़ा मत खाओ, ये गज़ा खाओ, मिसाल के तौर पर डायबिटिक पेशेंट है, अंधेरा है, आप कमरे में लेके गए, उसे लेके जाके उसके सामने खाना रख दिया, तो वो सबसे पहले चेक करेगा कि खाना क्या है, कहीं इसमें मीठा तो नहीं है, कहीं इसमें ऑयली चीज़ें तो नहीं है। कोई हार्ट पेशेंट है तो वो ऑयली चीज़ें खाएगा, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो वो खाएगा, अगर कोई डायबिटिक है तो वो स्वीट खाएगा। अंधेरे में भी ग़िज़ा रखे तो इंसान सोच के एक लुकमा लेता है। क्यों? इसलिए कि ये जिस्म को, ये मीठा डायबिटिक पेशेंट्स को ये स्वीट नुकसान पहुँचाएगा। ऑयली चीज़ रहेंगी, हार्ट पेशेंट्स हाथ नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? गाने में जिस्म को नुकसान पहुंचेगा। मासूम कहता है कि अंधेरे में ग़िज़ा दे तो इंसान सोच के खाता है। अरे तुमको ख्याल आना चाहिए, जिस जिस्म के लिए, जिस बॉडी के लिए तुम इतनी एहतियात कर रहे हो कि ये खाऊं या ये नहीं खाऊं, डॉक्टर मना कर दे तो हाथ नहीं लगाते। और तुम, इमाम ने कहा वो जिस्म कितने साल का है, 60 ईयर्स का है, 70 ईयर्स का है, 80 ईयर्स का है, उस जिस्म के लिए, उस बॉडी के लिए तो तुम एक एक लुकमा एहतियात से खा रहे हो। ऑयली होगा तो नहीं खाएगा, डायबिटिक स्वीट नहीं खाएगा, हाथ नहीं लगाएगा, सब रख दो, कहेगा नहीं नहीं भाई मेरे जिस्म को नुकसान पहुंचेगा। इमाम ने कहा रूह की ग़िज़ा के लिए कुछ नहीं सोचा, रूह के लिए कुछ नहीं सोचा जो हमेशा रहने वाली है। तुम्हारा जिस्म तो 60-70 में खत्म हो जाएगा, तुम्हारी रूह, रूह के लिए नहीं सोचा कि रूह के लिए हलाल है, रूह के लिए ये हराम है, रूह के लिए ये फायदा है, रूह के लिए ये नुकसान है। नो, वी डोंट बॉदर, वी डोंट बॉदर। क्यों नहीं बॉदर करते? हमको हु केयर्स। ये एटीट्यूड अगर हम रख के इस्लाम को फॉलो करेंगे, एक चीज याद रखें, शिया ने हैदर करार, हुसैन का आजादार, हु केयर्स की जिंदगी नहीं गुजारता। प्लीज, हु केयर्स की जिंदगी इमाम का चाहने वाला कभी नहीं गुजारेगा।
ये हमारी फितरत, ये हमारा स्लोगन नहीं है, ये हमारा नेचर नहीं है, ये वेस्ट का नेचर है। Who cares का हमको अनकंडीशनल सरेंडर है। इस्लाम वेरी क्लियर, अगर इस्लाम कहता है कि औरत किट में रहे, पर्दे में रहे, तो वहां पे आप वाई नहीं कर सकते, अनकंडीशनल सरेंडर है। और इस्लाम कहता है कि म्यूजिक हराम है तो हराम है, यू कैन नॉट से नो हम इसको जायज करेंगे, फाइन यू डू इट। अगर आप कहते हैं हु केयर्स, हु केयर्स, फाइन, आप यहां केयर मत करो। सेम एटीट्यूड व्हेन फरिश्ते मुनकिर और नकीर वो लोग आगे पूछेंगे, आप उनसे कहिए हु केयर्स यार, हु आर यू टू आस्क मी, आई एम सो रिच, मैं इतने पैसे वाला हूं। मलकुल मौत जब आपके पास आए, जस्ट टेल हिम प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर, आई एम नॉट गोइंग टू कम विद यू, डिड यू टेक अपॉइंटमेंट, मैं क्या करूं। बोल सकते फरिश्ते को, मलकुल मौत को बोल सकते कि क्यों आयो भाई, आई एम नॉट गोइंग टू कम विद यू, आपने अपॉइंटमेंट लिया था मुझसे, यू डोंट नो माई स्टेटस, मैं इतना बड़ा आदमी हूं यहां का, बॉम्बे का, इतना पैसा मेरे पास है, इतने बड़े घर है मेरे पास, इतने फ्लैट्स मेरे हैं, इतने सर्वेंट्स मेरे पास है, इतनी बड़ी कंपनी है, हाउ डे यू आर। यही तो है इस्लाम, कहो मलकुल मौत को, देन आई विल सी हु केयर्स। इस्लाम यही समझाना चाह रहा कि इंसान इतना मजबूर है, हम इतने मजबूर हैं, इतने हेल्पलेस हैं कि एक लम्हे के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड किसको कहते हैं, आईब्रोस को आप यू करें, दैट इज फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए यू कैन नॉट से मलकुल मौत के प्लीज गो फ्रॉम हियर, आई डोंट वांट टू कम विद यू। इमाम ने कहा जब तुमको इतना इख्तियार नहीं है, तुम इतने मजबूर हो कि तुम मलकुल मौत को वापस नहीं कर सकते, फिर सर उठा के चल रहे हो, फिर ये गुरूर कर रहे हो, फिर ये तकब्बुर है, फिर गरीबों के साथ ये एटीट्यूड है तुम्हारा, अपने रिश्तेदारों के साथ ये एटीट्यूड है, व्हेन यू कैन नॉट से मलकुल मौत गेट आउट फ्रॉम हियर। अगर तुम्हारे पास इतनी ताकत है तो कह दो मलकुल मौत को कि मैं नहीं आता तेरे साथ, तुम तो इतने मजबूर हो, फिर ये क्या है लाइफ। कल एक साहब ने मुझसे कहा मजलिस के बाद, गौर से सुने, मैं नाम तो नहीं ले रहा ना, गीबत नहीं होगी, कहा ये मौलाना बड़ा डराता है, उन्होंने किसी से कहा, उन्होंने आके मुझे कोट किया, कहा यार ये मौलाना बड़ा डराता है, 9 दिन से डरा रहा है। फिर मैंने कहा कि भाई घर जाके अंधेरा करके अपने बिस्तर पे लेट जाओ और सोचो, तो कहा अब ये सोने भी नहीं देंगे हमको, समझ रहे हैं आप। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम रियली हैप्पी, इसलिए कि समबडी इज लिसनिंग ना, वो मेरी खुशी है कि कोई सुन रहा है, तो आई एम हैप्पी। आई नीड दिस टाइप ऑफ कमेंट्स कि पब्लिक टोटल कंसंट्रेशन के साथ सुन रही है ना, वेरी हैप्पी। कोई एक तो बदला ना, ये मेंबर का खत्म हो गया। मैं बड़ों से तो बात ही नहीं करता बॉम्बे में, मैं तो यूथ से बात कर रहा हूं, उन लड़कियों से बात कर रहा हूं, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हर घर में चेंज आया, हर घर में इंकलाब आया, आई एम सो हैप्पी। तो आपको मैं क्या समझा रहा था कि हमारे पास इतनी हमको राइट नहीं है, फिर हमारी लाइफ का स्टाइल क्या है, अब भी हम चेंज नहीं करेंगे ना। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि हमारे यार 50 साल हो गए अब चेंज नहीं होता, फिर कब चेंज होंगे, 50 ईयर्स हो गए ना, अब तो चेंज कर लो अपने आप को, इस हाई टाइम ना, शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब क्या है, आधी लाइफ हो गई ना आपको मालूम। 40 ईयर्स जब इंसान के खत्म होते अल्लाह एक फरिश्ते को भेजता हर इंसान के पास, व्हेन यू कंप्लीट योर 40 ईयर्स एक फरिश्ता आता, क्यों आता, अल्लाह एक फरिश्ते को भेजता, और भेज के वो हमारे कॉन्शियस को शऊर को बेदार करता कि प्लीज वापसी की तैयारी करो, यू हैव टू गो बैक। जो हमारे कॉन्शियस को हिलाता ना, वो फरिश्ता है, वो ये अल्लाह का करम है। आप कहेंगे हम 39 ईयर्स
11 months, 29 days, एक दिन तो एंजॉय करने दो। नहीं, मुझसे कहा गया मौलाना, न्यू ईयर भी आ रही है ना, एक चीज याद रखो बाबा, एक चीज याद रखो, न्यू ईयर ईव आने वाली है 2011 की। वो दिन, वो रात कौन सी है मालूम? आप अगर जाके अपनी पार्टीज में अटेंड करना चाह रहे, वो रात चौथे इमाम की शहादत की रात है, 25 मुहर्रम की शब है। याद रखो, इफ यू आर गोइंग, बच्चों से बात कर रहा, बड़ों से नहीं, लड़कियों से बात कर रहा, वो रात मुसीबत की रात है, खयामत की रात है, इमाम की शहादत की रात है। इवन यू, आपको विश करना नहीं है, तो मुझसे कहा मौलाना अगर नया साल हम खुशी के साथ गुजारें तो पूरा साल हम खुश रहेंगे। तो मैंने कहा सुनिए, अगर आप इमाम की मजलिस में रहेंगे ना तो पूरा साल हुसैन आपको खुशी देगा, दुनिया वाले नहीं देंगे, दुनिया वाले कोई खुशी नहीं देगा, हुसैन देगा खुशी, इमाम जमाना खुशी देंगे, उनसे खुशी मांगो। लेकिन प्लीज 31st की नाइट लड़की लड़का सब गए, इवन डोंट विश देम, इसलिए कि वो इमाम की शहादत की रात है। आप नहीं बोल सकते कि हैप्पी न्यू ईयर, मुस्कुरा के डाल दो, कोशिश करो कि वो रात बड़ी मुसीबत की, हमारे लिए मुसीबत की रात है, वो रात आवजारी गिरिया की रात है, सर पीटने की रात है, वो रात हम न्यू ईयर ईव में पार्टीज में जाकर अटेंड करने की रात नहीं है, हमको दोस्तों के साथ स्पेंड करने की रात नहीं है। अगर आपने किया फाइन, इमाम हुसैन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आप याद रखें जब आपने किया तो फिर हुसैन के पास किस मुंह से जाके मांगेंगे आप? हुसैन जियत जिंदाबाद, हुसैन जियत जिंदाबाद, यजीद जियत मुर्दाबाद, यजीद जियत मुर्दाबाद, नारा हैदरी। सुना आपने? प्लीज मेरे साथ रहे, मेरे पास वक्त तेजी से गुजर गया है, यू नो आई एम ट्रैवलिंग टुनाइट, और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मजलिस के फौरन बाद मैं निकल जाऊंगा, मेरी 3 बजे फ्लाइट है। बहरहाल आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल। तो ये सोचो कि 31st नाइट बहुत मुसीबत की रात है, उस रात में अगर आप ये चाहते हैं कि 2011 आपके लिए बड़े प्लेजेंट साल गुजरे, रहमत का साल गुजरे, ब्लेसिंग का साल गुजरे, तो मैं आज आपको 3 चीज़ें दे के जाता हूँ। मैंने कल संडे तक बताई थी स्केड्यूल में, मंडे के दिन आपको करना है। ये वो जो अमल है ये मरहूमीन के लिए भी है, आपके लिए भी, कोई फिशारे खबर में है तो उसके लिए भी। आज आपको मैं एक बात बताऊं, देखिए मजलिस का, हुसैन की मजलिस का असर क्या होता है, मजलिस है हुसैन का असर क्या हुआ। अभी मजलिस से पहले मैं बैठा हुआ था, एक फैमिली आई, फिशार की बात सुनी थी उन्होंने, मजलिस है टीवी पे सुन रहे थे, फिशार की बात सुनी थी, बिली में देखिए ऐसे होते हैं हुसैन वाले, उन्होंने सबके सामने कहा जो मेरे साथ बैठे हुए थे, वो गवाही देंगे कि प्रॉपर्टी को छोड़ दिया, इसलिए कि 20 25 30 साल 40 साल से पता नहीं कितने साल से प्रॉपर्टी उनके हाथ में थी, एज पर द रूल उन्हीं की हुई। लेकिन मजलिस सुनने के बाद कि क्यों लूं मैं, इससे बेहतर अल्लाह देगा, मुझे खौफ है फिशार का, कम अज कम ये फियर तो पैदा हुआ। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, ये खौफ तो मेरा नहीं उसका, मजाक नहीं है 20-25 लाख को छोड़ना, हम 1 रुपया नहीं छोड़ते। एंड शी वॉज क्राइंग, शी केम विद हर हस्बैंड, जो लोग बैठे थे सब देख रहे थे, तो ये फियर तो पैदा हुआ। वो आप उस औरत का, उस मोमिना का जुमला सुने, उसने कहा मौलाना आपकी मजलिस के बाद जब मैंने कहा, मैंने डिसाइड किया गिवन हर बैग, गिवन दम बैग, तो उसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने, मेरे सर पे एक पहाड़ था, एक बोझ था जो खत्म हो गया, आई एम सो रिलैक्स। दोस्तों सुनना आसान है, पैसा सबको मोहब्बत है, पैसे से सबको मोहब्बत है, इट्स वेरी इजी टू लिसन। 20-25 लाख कोई नहीं छोड़ता, लेकिन छोड़ा ना तो ऐसा ऐसा पैदा करा। मैं ये नहीं कहता कोई करावा है, ऐसा एक भी चेंज हो गया तो हुसैन की मजलिसों का हक अदा हो गया। मोमिन की पहचान यही है कि डेली चेंज हो। मेरी ख्वाहिश इतने बड़े हजारों की तादाद में जो मुझे सुन रहा है, जो बात मैं सुनना चाहता है, ग्लोबल मैसेज दे रहा हूं मैं कि प्लीज प्रोटेक्ट योर सेल्फ उस अंधेरे से, उस एंड से।
मैं बताऊं, ऐसा ऐसा ऐसी जगह, एक आखिरी रिवायत उस पर मैं मजलिस को तमाम करूंगा उसी को एलाबरेट करके। पहले दुआ ले ले बिफोर आई फॉरगेट। मंडे संडे तक कल मैंने दिया था, मंडे के दिन 14 टाइम्स सूर्य कौशल पढ़ना, इन्ना आता निकल कौशल वाला, और दुआए मशलूल, ये दो चीजें मंडे के दिन कोई पढ़े, और इमाम हसन इमाम हुसैन का वास्ता दे मरहूमीन के लिए, इसलिए कि दुआए मशलूल में अल्लाह की मदा है, टोटल अल्लाह की मदा है। और दुआए मशलूल वह दुआ है जो मौला ने इमाम हुसैन के जरिए उस रावी को दिया था, उस मरीज को दिया था। मरीजों पे पढ़ना अलग है, आप पढ़ो, ये दुनियावी मरीज है जो खबरों में तकलीफों में परेशानियों में जो ग्रेव में है ना, जो उस अंधेरे में है, वो भी मरीज है। हम दुनिया के मरीज हैं, खबर में मरीज है जो अजाब में है, उस मरीजों के लिए भी दुआ मशलूल 14 टाइम्स सूरह कौसर पढ़कर आप इमाम हसन इमाम हुसैन का वास्ता देकर। रिवायत में है कि जहां बैठकर आपने पढ़ा, जिन मरहूमीन के लिए पढ़ा, आपने कहा आराम बाग, आपने कहा रहमताबाद, आपने कहा बॉम्बे की हर मोमिन की खबर, आपने कहा हिंदुस्तान की हर मोमिन की खबर, आपने कहा तमाम उलमा, दुनिया भर का हर मोमिन के लिए मैं सूरह मशलूल और 14 मरतबा सूरह कौसर पढ़ो। रिवायतों का जुमला है, अगर कोई भी कैसा ही अजाब होने दो, इन दो चूरों की वजह से, उस दुआ की वजह से, इस सूरह की वजह से और हसन हुसैन की वजह से खबर में रहमतों का बोझ आ जाता है। ये मंडे करना। ट्यूसडे के दिन मंगल जिसे आप कहेंगे, उस दिन चौथे इमाम का वास्ता दे, पांचवें इमाम का वास्ता दे और छठे इमाम का वास्ता दे, और ये कहें कुछ मत करें 14 टाइम्स अपनी दुआ के लिए और मरहूमीन के लिए कि बेहक फातिमा व अबीहा व बालुआ व बनिया। क्या है मतलब? हदीस है किसान, तुझे फातिमा का वास्ता, उनके बाबा का वास्ता, उनके शोहर मौला अली का वास्ता और उनके बच्चों का वास्ता। बच्चों में जमाने के इमाम तक आएगा, दोनों शहजादी भी आएंगी। अब उसके बाद आपका 14 मरतबा पढ़ो, दो दो तीन तीन मिनट का अमल दे रहा हूं, लेकिन ये स्केड्यूल में रख लो अपने, ये स्केड्यूल में रखो। बिलीव मी, अगर तुम्हारा मरहूम 10-10 साल हो गए ख्वाब में नहीं आया, तुमने अगर ये वास्ता देकर अल्लाह से दुआ किया, 14 दिन का अमल करके देखो, अगर इज्न हुआ अल्लाह का, इजाजत हुई अल्लाह की, मौला की इजाजत हुई, तो तुम्हारे ख्वाब में भी आएगा, खबर के अजाब कम हो जाएंगे। वेंसडे के दिन 7वें इमाम, 8वें इमाम, 9वें इमाम और 10वें इमाम का वास्ता देना और 11वें इमाम, इन इमामों का वास्ता देकर अल्लाह की बारगाह में दो रकत नमाज पढ़ो। पहली रकत में सूरह इन्ना अंजलना पढ़ो, दूसरी रकत में सूरह इन्ना आतैना पढ़ो। हयातुल खुलूब में अल्लाह मजलिसी कहते हैं कि जो शख्स ने इस नमाज को पढ़ा, कि जिसकी नीयत होगी कि मैं नमाज हदीय मैयत, हदीय मैयत ने गिफ्ट करो आपकी, मैं नमाज हदीय मैयत पढ़ता हूँ खुरबत लिल्लाह, क्या तुमने यहाँ बॉम्बे में पढ़ी, हर मरहूम की जिस जिसकी तुम्हारी नीयत है, 70,000 रहमत के फरिश्ते उस खबर में पहुँचते हैं। तुम्हारा बाप, तुम्हारा शौहर, तुम्हारा भाई, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन उन खबरों से तुम्हारे हक में दुआ देंगी। ये स्केड्यूल अपने रूटीन लाइफ में लेके आइए, उसके बाद इंशाल्लाह जब नेक्स्ट ईयर आपसे मुलाकात हो तो देन यू विल टेल मी कि अब हमारे घर के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हमारे। आपको ये इसलिए कि जब आप मरहूमीन के लिए पढ़ेंगे तो आपकी अकेले की दुआ नहीं है, वो भी आपके हक में दुआ करेंगे, उन खबरों से आपके हक में दुआ होगी। तो प्लीज अपने स्केड्यूल में कर ले, किसी को याद नहीं है तो बाहर से सीढ़ी खरीद के अपने पास रख लें। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। दोस्तों 40-30 मिनट के करीब, 30-35 मिनट हो गए, मेरे पास सिर्फ 25 मिनट है, और यू नो कि मैं 1 घंटा 10 मिनट पढ़ूंगा आज इंशाल्लाह। तो ये अपने स्केड्यूल में रख लें, देन यू सी कि आपके लिए क्या काम होता है। अगर उस जगह आपके लिए फाइनल, बिल्कुल आखिरी बात, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ अपनी मजलिस को, कि अगर वहाँ पहुँचे और आप ये चाहते हैं कि आपके लिए उस खबर आपका इंतजार करे, आप सबसे अच्छी चीज़ लेके जा रहे हैं कि वहाँ जब, व्हेन यू कैरी दिस
تو آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو. تو اس کے لیے بہترین جو عمل ہے, میں ایک واقعہ پڑھتا ہوں اس کے بعد آپ کو اس کو ایلابریٹ کر دوں گا کہ کیا چیز آپ وہاں پہ لے کے جانے سے مشکل ہوتی اور کیا چیز لے کے جانے سے فائدہ ہو جاتا. پوری ٹوٹل کنکلوژن ہے دس مجلسوں کا. اللہ مجلس ہی اپنی کتاب میں لکھتے. تبریز, ایران کا تبریز کا واقعہ ہے, ایک نوجوان کا 26-27 سال کا سن ہے یہ نوجوان, کی طاعون کی بیماری پھیلی وہاں پہ. ایک بیماری ہوتی تھی اس زمانے میں جو ریٹس کے ذریعے ہوتی تھی, جسے آج کل پلیگ کی بیماری بھی کہتے ہیں, طاعون کی بیماری ہوئی اور اس شہر میں کافی لوگ مرے. تو یہ نوجوان بھی مر گئے. نوجوان جب مرا 27-28 سال کا, اس کی بیوی تھی, اس کے بچے تھے, اس کے ماں باپ زندہ تھے. یہ واقعے میں تین میسیجز آئیں گے, تین پیغامات آئیں گے. اگر ان تین پیغامات جو آج کی ہماری روٹین لائف میکس ویری ویری کامن, اور یہ تین سمجھ میں آ جائیں تو پھر وہ ایک ماں کا واقعہ بھی سمجھ میں آ جائے کہ اس کے اس واقعے کے بعد پھر میں نہیں سمجھتا پھر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے. خود چیک کر لے اپنی لائف کو, اپنی لائف کے سٹائل کو, پھر چیک کر کے خود ہی بتائے کہ اب میں کیا کر رہا ہوں. کہتا ہے کہ جب میں, اس کا بڑا قریبی دوست تھا, اس نے دفن کیا اپنے اس دوست کو. کہتا ہے کہ خواب میں میں نے دیکھا, خواب میں نے دیکھا سفر پہ گیا. وہ کہتا ہے میں کشتی کے سفر پہ جا رہا تھا تبریز کے بعد اس کو دفن کر کے. چند دن گزرے تھے, ہماری پانی میں دریا یا جس سمندر سے جاتا ہوں طوفان آیا. وہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اس سے جدا کیا, تختے کو لیا, اپنی زندگی کو بچایا, ساحل پہ آ گیا, کنارے پہ آ گیا. اور آ کے میں صحرا سے گزر کے جا رہا تھا. کہاں جا رہا تھا؟ دوسرے شہر میں, جس شہر میں یہ کشتی ٹوٹی تھی. کہتا ہے کہ جب میں جا رہا تھا تو راستے میں ڈیزرٹ تھا, اور ڈیزرٹ میں پرانے زمانے میں لوگ کنواں جو ویل جو ہوتی تھی نا اس کو بناتے تھے کہ کوئی قافلہ کاروان ادھر سے گزرے تو ان کے لیے پانی. بڑا عظیم ثواب ہے اسلام میں جھاڑ کا لگانا, ٹیپ کا لگانا کہ غریب پانی سے فائدہ اٹھائیں. تو لوگ پرانے زمانے میں کنویں بناتے تھے, ڈول رکھ دیتے تھے کہ کوئی جائے تو اگر پیاسا ہے تو کم از کم پانی پی لے, اس لیے کہ واٹر شارٹیج تھا. وہ کہتا ہے کہ جب میں وہاں سے گزر رہا تھا پیاس بے انتہا لگی, میں نے دیکھا کہ کنواں ہے اس پہ ڈول رکھا ہوا ہے. میں نے کہا جس بندے نے بھی بنایا اللہ اس کو اس کا اجر دے. میں نے ڈول ڈالا پانی کنویں کے اندر, ویل کے اندر, اور پانی کو کھینچا. اس زمانے میں ٹیپ سسٹم تو نہیں تھا, آپ سمجھتے ہیں کہ پانی کو اس نے کھینچا اور ڈول آیا. تو وہ بڑا جو جگ تھا اس جگ کو وہ چاہتا ہے کہ منہ میں پیوں, تو میرے کانوں میں آواز آئی کہ دوست میں بھی بہت پیاسا. اس نے کہا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ رائٹ پہ دیکھا, لیفٹ پہ دیکھا, پیچھے دیکھا, یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ پھر پینا چاہتا ہے, پھر ایک درد بھری آواز ہے کہ میرے دوست میں بھی بہت پیاسا ہوں. تیسری مرتبہ یہ گھبرا گیا کہ کوئی جنوین کی تو آواز نہیں. تیسری مرتبہ کانوں کے قریب آئی, میرے دوست میں بہت پیاسا ہوں. کہتا ہے اب جو میں نے اوپر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہی میرا دوست ہے, اسے گلے میں پندا ہے پھانسی کا اور رسی اوپر تک ہے اور پیاس سے بے چین ہے. میں نے میں گھبرا گیا اور میں نے اس بال کو, 8 دن گزرے تھے, میں نے اس واٹر کا جو کین تھا میں نے اس کو اوپر دیا, لیکن وہ اوپر اور ہو گیا, میں دے نہیں سکا. 3 دفعہ میں نے کیا اور میں غش کھا کے گر گیا, بے ہوش ہو گیا, انکانشیس ہو گیا کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. یہ اپنے سفر کو بند کیا, سیدھا واپس تبریز آیا. تبریز آ کے گھر پہنچا, اس کی بیوی سے اس نے بات کی, اس کی ماں سے اس نے بات کی کہ میں نے یہ خواب دیکھا, اس کا وجہ کیا ہے, ایسا کون سا گناہ تھا جو اتنی جلدی اتنی تیزی کے ساتھ اس پہ آ گیا. وہ بھی پیاس کی. آپ امیجن کریں کہ پیاس کی شدت کا بھی عذاب ہوتا ہے, آگ کا عذاب بھی ہے, پانی کا عذاب بھی ہے. امیجن کریں کہ somebody is thirsty اور ایسی پیاس کے تڑپ رہا ہے. دنیا میں کتنا اچھا تھا, اچھا گھر ہے, فیملی ہے, سب ہے, مطلب یانگ 27-28 کا, he was shocked کہ آخر وجہ کیا تھی.
तीन बातें बताई दोस्तों, तीन बातें बताई विच इज वेरी 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 कॉमन इन अवर सोसाइटी, वेरी कॉमन, जिसको हम गुना ही नहीं समझते, हमारी निगाह में वो गुना नहीं है, लेकिन यू डोंट नो। पहली चीज, उसकी बीवी ने आंखों में आंसू ला के कहा कि इनका रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं था, इनका एटीट्यूड मेरे साथ अच्छा नहीं था। मेरी दूसरी मजलिस को याद करें, मेरी जी, आई एम टेलिंग यू, मैं आपका मेहमान, आई एम गोइंग टू नाइट, कल से आपको कोई डराने वाला नहीं, कल से कोई आपके कॉन्शियस को हिलाने वाला नहीं, आई एम गोइंग, इंशाल्लाह मौला आपको सलामत रखे, बट आई टेल यू, इतना बड़ा मजमा मुझे पहली मुहर्रम से वहाँ सुना रिजवी में, फिर यहाँ पे भी पहली मजलिस से 12 मजलिस से इतना कसी तादाद में आपका आना, बिलीव मी आई एम नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग, आई एम नॉट गेटिंग एनी थिंग अगर आप डर, मेरा सिर्फ काम ये, मैं एक मैसेंजर हूँ, मैं डिलीवर कर रहा हूँ मैसेज को, आई एम नॉट गेटिंग एनी थिंग, मुझे कोई शौक नहीं है, आई एम नॉट एन्जॉइंग कि मैं आपको डरा के, मैं नहीं डरा रहा आपको, अगर ये फील हो रहा तो आप अल्लाह से बोलो, आप मौला से कंप्लेन करो, आप इमाम हुसैन से कंप्लेन करो कि मौला आपने इतना डराया क्यों, मैं उनका मैसेज ले रहा हूँ, आई एम जस्ट डिलीवरिंग, मैं तो बीच में एक मैसेंजर हूँ। उसकी बीवी का पहला जुमला ये था कि ये मेरे साथ इनका सलूक अच्छा नहीं था। दोस्तों एक चीज याद रखो, अगर हम किसी लड़की को शादी करके ला रहे हैं ना, अपने घर में ला रहे हैं ना, तो ये मत समझो कि तुम्हारी सर्वेंट आ रही है, तुम्हारी कनीज आ रही है, यू कैन डू एनीथिंग टू हर, नो 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 नो, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की घर से, नए घर से आई है, बिल्कुल नया माहौल है, नया एटमोसफियर है, आपको चाहिए कि इतना वेलकम करें, इतना वार्म वेलकम करें। और एक चीज याद रखो, उसके बाद उसने कहा कि इसकी माँ जो थी ना, सास, मदर इन लॉ, उनका एटीट्यूड भी मेरे साथ अच्छा नहीं था, और मेरा हस्बैंड उसे सपोर्ट करता था। लेकिन दोस्तों याद रखो, माँ उस सास को भी चाहिए, मदर इन लॉ को भी चाहिए कि कभी उसकी भी आंख बंद होने वाली है। इस्लाम जानवर पे जुल्म नहीं कर सकते आप, चींटी है ना, एंट, एंट, एंट की कोई वैल्यू है आज आपके पास, एंट आपके बाजू से जाएगी, आप उसको ऐसा करके मार देंगे, आपको गुनाह नहीं होगा, मार देंगे, लेकिन अगर उसी एंट को आपने गर्म पानी डाल दिया उसके ऊपर तो वह हराम है, उसी एंट को, उसी चींटी को आपने आग में डाल दिया, हराम है, नहीं कर सकते, जुल्म से मार नहीं सकते, एक छोटी चींटी को नहीं मार सकते, मस्कीटो जैसा है ना, मस्कीटो के ऊपर आप आग नहीं डाल सकते, मस्कीटो के ऊपर गर्म वार्म हॉट वाटर नहीं डाल सकते, मस्कीटो को ऐसा मार दो, लेकिन जुल्म से नहीं मार सकते। अल्लाह कभी बर्दाश्त नहीं करता, जब अल्लाह चींटी को बर्दाश्त नहीं करता, मस्कीटो को बर्दाश्त नहीं करता, तो अल्लाह अशरफुल मखलूकात को कैसे बर्दाश्त करेगा? हाउ, शी इज नॉट योर सर्वेंट। तो हमको यह सोचना है, यह वाइस वर्सा है, मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ का जो प्रॉब्लम है वाइस वर्सा है। बास घरों में मां मदर इन लॉ स्ट्रांग है और वो जुल्म कर रही है, उसको यह सोचना चाहिए कि यह मेरी बेटी है, बहू नहीं है, इसलिए कि तुम्हारी आंख बंद होगी तो जो तुमने जुल्म किया उसका जवाब उस डार्क रूम में देना पड़ेगा। जो तुमने जुल्म किया है, जो तुमने अजियतें पहुंचाई है, जो तुमने टीज किया है, आराम बाग में जब तुम जाओगी तो वहां पे यू आर गोइंग टू आंसर टू फरिश्ता अल्लाह। सेम वाइस वर्सा है, अगर बी लड़की आई, लड़की आकर अपनी मां से, अपनी सास से, उस अपने हस्बैंड को अलग करके लेके चले जाए, एंड इफ शी सेज कि आई डोंट वांट टू लीव विद योर पेरेंट्स, ये लड़की को जवाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हर घर में सिर्फ मदर इन लॉ, मदर इन लॉ को सलूट, माँ है वो, लेकिन बस वक्त बहू भी प्रॉब्लम क्रिएटर रहती है, वो भी प्रॉब्लम कर देती है कि आई डोंट वांट टू लीव विद योर माँ। मैंने रिजवी का मेरा जुमला याद करे, उसने साफ कहा था, आई डोंट वांट मम्मास बॉय, मुंह पे कह रही है मुझे, आई डोंट वांट मम्मास बॉय, ये तो आपका फ्यूचर है, ये तो आपकी थिंकिंग है। फर्स्ट डे से अगर तुम ये डिसाइड करके आ रहे हो कि मुझे घर को ब्रेक करना है, तो ये चीज याद रखो, तुमको आंसर करना है वहां पर, वहां पे मम्मास बॉय आके आंसर नहीं करेगा,
मैं क्या कह रहा हूं, वहां पे तुम्हारा हस्बैंड आके जवाब नहीं देगा, वहां तुम्हारे पेरेंट्स आके जवाब नहीं देंगे, यू आर गोइंग टू आंसर ओवर देयर। वहां कोई इफ एंड बट नहीं है, यू डिड इट देन यू नाउ, आप उसको फेस करो। उस बंदे ने कहा, उसकी बीवी ने कहा, या केस दूसरा था कि उसका एटीट्यूड मेरे साथ अच्छा नहीं था, और जिसकी वजह से उसको आप वो इतना बड़ा सफर किया, कितने साल कर रहा है नोबडी नोज। तो प्लीज, इस्लाम बैलेंस रिलीजन का नाम है, इस्लाम बैलेंस रिलीजन का नाम है। इस्लाम यह परमिट नहीं करता, और उन लड़कों को जो पेरेंट्स की, ये अपनी मां बाप बाप की बात भी नहीं सुनता था, मां की बात भी नहीं सुनता था, तो उसके लिए ये भी एक अजाब है। अगर हम अपने पेरेंट्स के ओबीडियंट नहीं रहते, तो याद रखिए, याद रखिए, पेरेंट्स के ओबीडियंट नहीं बने, और नमाज है, और रोजा है, और हज है, और जकात है, और सोसाइटी में बड़ी इज्जत है, और हर चीज कर रहे हो, तो एक नमाज का एक सजदा भी अल्लाह एक्सेप्ट नहीं करेगा इफ योर पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी विद यू। जब नमाज ही कबूल नहीं, तो उस डार्क रूम में व्हाट आर यू गोइंग टू आंसर, Who is going to help you? आपका एक सजदा कबूल नहीं हुआ, इसलिए कि तुमने मां के दिल को दुखाया, मां के हार्ट को ब्रोकन किया, बाप को जवाब दिया, पैसा है ना, स्टेटस है ना तुम्हारा, तो उस डार्क रूम में who is going to answer? ये अजाब है, हैंग गला हुआ है, गला दब रहा है, दोस्त कहता है कि उसकी आवाज फंसी हुई, दबी हुई आवाज। देखिए दोस्तों, कभी कभी जब ये वाकयात हमारे सामने आते हैं ना, उससे हमको लेसन लेना चाहिए, हमको इबरत हासिल करना चाहिए कि हम नहीं करें, हम नहीं करें, एक एग्जाम्पल बन के जिंदगी गुजारो बॉम्बे में, एग्जाम्पल बन के जिंदगी गुजारो बॉम्बे में। लड़कियों से भी कह रहा हूं, माओं से भी कह रहा हूं, और उन यूथ लड़कों से भी कह रहा हूं कि जब लाओ लड़की को ना, फर्स्ट डे फर्स्ट मीटिंग में पूरे ब्रेक्स बता दो, ये बैरियर है, ये तुम्हारी हद है, ये तुम्हारी हद है, बस इसको तुम क्रॉस मत करो, इसको मैं क्रॉस नहीं करूं। यू डो यू रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स, आई रेस्पेक्ट यूर पेरेंट्स, ये लाजिम है, वरना आज देखा आपने, ये एक वाकया नहीं, अल्लाह मुहदीसी ने जो लिखा, ऐसे 20 वाकया को मैंने पढ़े, 20 जो मैंने बयान ही नहीं किया आपके सामने, 20 वाकया मैंने पढ़े, क्या होगा, वेयर वी आर गोइंग टू स्टैंड, हाउ वी आर गोइंग टू आंसर। आपने सोचा कभी ये बात, आंख आज बंद हो जाएगी। और एक चीज याद रखिए, आप कहेंगे यार एक ही दफा तो मां को हर्ट किया, एक ही दफा तो बीवी को हर्ट किया, एक ही दफा किया ना, वही एक दफा किया और मौत आ गई, उसी एक ही दफा किया और खत्म हो गए, आपको सॉरी बोलने का मौका नहीं मिला, यू डिडंट से सॉरी टू हर, और चले गए, तो कितने साल वहां सफर करोगे। अब भी आंखें खोल लो, अब भी आंखें खोल लो, थोड़ा कॉन्शियस को मिलाओ कि व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम डूइंग। अभी अभी हस्बैंड अपनी वाइफ की इज्जत करना, वाइफ अपने हस्बैंड की इज्जत करना, बैरियर लाइन को डिवाइड करो कि ये तुम्हारी लाइन डिवाइड एरिया, ये मेरा एरिया है, दैट्स ऑल। मौला अली ने जब बीबी फातिमा से शादी की थी ना, जब शहजादी को घर में लेके आए, जब मौला अली की शहजादी से शादी हुई थी, 5 या 6 साल या 4 साल बीबी शहजादी कौन है अपनी मदर इल्ला फातिमा बिनत असद के साथ उन्होंने घर में जिंदगी गुजारी,
शहजादी की एक हद थी माँ की थी, माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ अदा कर रही थी, बहू की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहू अदा कर रही थी। कोई आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास एग्जाम्पल नहीं है, वी हैव एग्जाम्पल, इतना बड़ा एग्जाम्पल है कि नोबडी कैन डिनाई। एक इंसिडेंट बताओ, एक इंसिडेंट बताओ कि बीबी की शादी के बाद एक इंसिडेंट ऐसा बताओ कि जहां पर मदर इन लॉ के साथ कोई भी कम्युनिकेशन गैप हुआ या कोई प्रॉब्लम हुआ। तारीख किताबों में सिंपल लिखा हुआ है कि ये बीबी के जो काम था वो बीबी करती थी, मां का जो काम था वो मां करती थी। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, है ना एग्जाम्पल। देन वॉट, देन हाउ यू आर सेइंग कि वी आर कनीज ऑफ फातिमा, ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ मेरी मां बहनों की नहीं। शौहर अपनी बीवी की रेस्पेक्ट करे, रेस्पेक्ट करे, रेस्पेक्ट करे। नो, यू कैन नॉट से शी इज माई सर्वेंट, शी इज माई कनीज, लेट हर डू दिस दिस दिस। यू कैन नॉट डिक्टेट टर्म्स, यू नो। मुझे मालूम है कि आज के बाद क्या होने वाला है, लेकिन मैं तो जा रहा हूं, रुकते आप सर बात पढ़े मोहम्मद वाले। सुना आपने, डिक्टेट डिवाइड कर दो, डिविजन्स कर दो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए कि दोस्तों मैं क्यों कह रहा हूं, व्हाई आई एम टेलिंग यू कि अगर एक भी हमने हर्ट करना शुरू किया, इफ आई स्टार्ट हर्टिंग माई वाइफ, आज कल परसों तरसों चलते चलते एक स्टेज ऐसा आएगा कि ना मैं माफी मांगूंगा ना मैं उससे कुछ लूंगा। जब मैं जाऊंगा ना तो मुझे कोई जवाब देने वाला नहीं, मुझे कुछ सफर करना है मुसीबतों को। दूसरी चीज, अगर हमने माँ का बाप का रेस्पेक्ट नहीं किया तो वो एक प्रॉब्लम। तीस आज जो घरों में प्रॉब्लम्स है ना आपके, आज जो घरों में मसले हैं ना, आपको अंदाजा नहीं है। मैं मेहमान हूँ, मेरे पास जो आते हैं ना अनबिलीवेबल, जो मेरे साथ हैं उनसे पूछे आप जाकर जो हालात हैं। मैं बॉम्बे से खुश नहीं जा रहा, मिंबर से कह रहा, आज जो वाकया सुने, मैं रो के जा रहा हूं बॉम्बे से। इस ट्रिप में जो मैसेजेस, जो हालात हैं, आंसुओं से लोग रो रहे। कोई आपके और रोना आसान है, कोई यूं आके नहीं रोता। अगर वो सफर कर रहा, हर्ट हो रहा, इसलिए रो रहा, बिलीव मी, आंसुओं से रो रहे कि हम क्या हो गया हमारे घर को। अगर ये हालात रहेंगे फिर हम हुसैनी, हम मौला के चाहने वाले, हम तो दुनिया में एग्जाम्पल बनकर जिंदगी गुजार रहे। लोग हमको देख के कहें कि अली वाले ऐसे होते हैं। हमारे घरों में प्रॉब्लम्स कैसे शुरू हो गए, हाउ हाउ हाउ, आई कांट अंडरस्टैंड। और सिर्फ बॉम्बे नहीं, बिलीव में मैं अमेरिका जाऊंगा ना, आई एम फेसिंग सेम म्यूजिक ओवर देयर, सेम चीजें हर शहर में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चेंजेस आ रहे हैं। उस रात उस खबर से डरो, बस उस खबर से डरो, बिलीव मी, वो ऐसी जगह है, ऐसी जगह है कि जिससे ज्यादा वहशत की जगह दुनिया में कोई नहीं, जिससे ज्यादा वहशत की जगह, जिससे ज्यादा डरने की जगह कोई नहीं, जिससे ज्यादा इबरत लेसन लेने की जगह कोई नहीं। अगर जरा सा हमारा शऊर बेदार हो जाए ना, आप एवरी डे आराम बाग जाएंगे, एवरी डे जाएंगे। हमारे उलमा खबर को, अपनी लहर को, अपनी ग्रेव को महफूज कर लेते थे। मैंने पूछा आराम बाग में, यहां किसी की खबरें महफूज हैं? महफूज समझते हैं आप? इन्हें जिंदगी में अपनी खबर को खरीद लेना। अल्लामा रशीद तुराबी के लिए यह था, आगा खुमैनी ने यह किया, रशीद तुराबी अल्लामा का यह था कराची में, मैं उनकी खबर पर जा चुका सज्जादिया में, कि अपनी खबर में महफूज करने के बाद रोज आते थे, कुरान पढ़ते थे, रोज आके अपनी खबर को देखते थे। आप कहेंगे आर यू जोकिंग, आई एम इन बॉम्बे, मुझे कब्रिस्तान भेज रहे हैं आप? नहीं बाबा, मैं नहीं भेज रहा, मैं आपको कब्रिस्तान नहीं भेज रहा, मैं आपको आपके परमानेंट हाउस का एड्रेस बता रहा हूं। यू अंडरस्टैंड आवर आई, जो परमानेंट हमारा बंगला है ना, बॉम्बे में किसकी ख्वाहिश है बंगले में रहने की? फ्लैट से तो आप फेडअप हो गए ना,
आज एक जगह में गया था सुबह में, उन्होंने कहा कि ये फ्लैट 10 करोड़ का है, 10 करोड़। आई वॉज शॉक, बिलीव मी आई वॉज शॉक। बैंड्रा में 10 करोड़ का फ्लैट कहा उन्होंने, मैं मेंबर से कह रहा हूँ, उनके जुमले थे, मैसिव फ्लैट था, 4 बेडरूम्स, मेड रूम और हॉल और ये और वो, पूरा फ्लोर पे एक फ्लैट। मेरे दिल में ख्याल आया कि अच्छा 10 करोड़ का फ्लैट आ, अल्लाह आपको 20 करोड़ के फ्लैट में रखे। लेकिन असल जो फ्लैट है ना, हम उस जो हमारा परमानेंट हाउस है ना, उसके बारे में हमारी फिक्र नहीं है। कितने लोगों की फिक्र है कि हमको परमानेंट बंगला वहाँ बनाना है। मैं जो आपको बात कर रहा हूँ, बंगले की बात कर रहा हूँ, मैं फ्लैट्स की बात नहीं कर रहा, मैं हर्ट्स की बात नहीं कर रहा, मैं बंगलों की बात कर रहा हूँ। इफ़ यू जस्ट लीव योर लाइफ, जैसा इस्लाम का फ्रेम है, सबके साथ मोहब्बत के साथ रहो, बस पूरा कंक्लूजन में क्या था, बैक बाइटिंग छोड़ दो, पर्दा करो, गिना छोड़ दो, म्यूजिक छोड़ दो, एलिगेशंस छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, वक्त पे नमाज पढ़ लो, दिस इज इस्लाम। इबादत कर लो, ये गुनाह कबीरा को छोड़ो, सगीरा खुद ब खुद छूट जाएंगे। तो वहाँ पे बंगला मिलेगा, पैलेस मिलेगा, आरामबाग में फिर डार्कनेस नहीं रहेगी। आपको मैं जानता हूँ, अब मैं आप खुल के बोल रहा हूँ, आरामबाग में मैं 5 या 6 ऐसी खबरों को जानता हूँ। आप बॉम्बे के, मैं बॉम्बे का नहीं हूँ, बट आई नो इन आरामबाग के 5 या 6 ऐसी खबरें हैं जो 50-50 साल से है, उनकी मैयत को जमीन हाथ नहीं लगाई, उनकी डेड बॉडीज वैसी है। 5 या 6 खबरें आरामबाग में है कि जमीन ने उस डेड बॉडी को, कफन को हाथ नहीं लगाया, इंटैक्ट है, इंटैक्ट। हाउ हाउ हाउ, वो फरिश्ते नहीं है, वो नबी नहीं है, वो कोई वली नहीं है, आप हम जैसे इंसान हैं, आपकी बस्ती के रहने वाले हैं, आपके शहर के रहने वाले हैं, लेकिन उनके अमाल ऐसे, उनका अमल ऐसा है, इतने पायस हैं, जिसमें 2 औरतें हैं और 4 मर्द हैं, इंटैक्ट इंटैक्ट उनकी खबरें। क्यों है, वाह है, इसलिए है कि उनके अमाल ऐसे हैं कि ना उन्होंने कभी झूठ बोला, ना तोहमत लगाई, ना गीबत की। प्लीज स्टॉप दिस थिंग्स। वो औरतों के बारे में यह है कि जब से बालिग हुई मौत तक उस औरत ने अपने बालों को सिवाय महरम के किसी को नहीं बताया। उस औरत के पहले, उस औरत के बारे में यह कहा गया कि मौलाना पहले वो सॉन्ग सॉन्ग जो जो हराम चीज है ना, वो देखती भी थी सुनती भी थी, लेकिन एक स्टेज ऐसा आया कि इतनी पायस हुई और उसने हाथों को उठा के कहा कि मैं तुझसे वादा कर रही हूँ, किसी से नहीं, कि आज के बाद ये तेरी कनीज कभी गाने नहीं सुनेगी, कभी जो है झूठ नहीं बोलेगी, कभी बेहिजाब नहीं देखेगी, ना मैं आँख से कोई हराम देखूंगी, ना कान से हराम सुनूंगी। देखिए, जब माफी मांगेंगे तो अल्लाह फॉरगिव करने वाला है, तवाबुर रहीम है। इफ यू आस्क फ्रॉम योर हार्ट, देन यू सी हाउ उसकी ब्लेसिंग आती है। प्लीज, 4 मैयतें एग्जाम्पल है हम सब के लिए, उन माँ बहनों के लिए एग्जाम्पल है, वो औरतों की मैयतें इंटैक्ट आरामबाग में हैं। 50-60 साल हो गए, खबरें बोसीदा हो गई, इसलिए कि उनके रिश्तेदार पहुँच के खबर को नहीं बनाते। डजन मेक एनी डिफरेंस, ऊपर से बोसीदा होने से कुछ नहीं होता, असल नीचे रहमत है। बस दोस्तों, यही मेरी आखिरी बात थी, जो आखिरी मैसेज था आपके लिए। 1 घंटा 5 मिनट हो गए और मेरी फ्लाइट भी, मुझे फौरन निकलना है इंशाल्लाह। दुआ करें सब खैर रहे इंशाल्लाह। बड़ी लंबी जर्नी है, 18 घंटे, 18 और 20 आवर्स की फ्लाइट है, 18 आवर्स की समथिंग, ऑल द वे शिकागो को। दुआ करें सब, मौला खैर से रखे, अल्लाह बॉम्बे के मोमिनीन मोमिनात को सलामत रखे। मेरे पास से ख़त आया, वो साहब ने कहा था मुझे आंसर करो, लेकिन इतने इसमें सवाल 3-4 है कि मेरे टॉपिक से रिलेटेड नहीं था। मैं इंशाल्लाह फिर कभी बॉम्बे आऊँगा तो इसका जवाब दे दूँगा। एक सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले।
बस हजारों अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह यहाँ के बॉम्बे की मोमिनीन और मोमिनात जो कसीर तादाद में इस वक्त सुन रही हैं मुझे, अल्लाह आपके आपके जिंदगियों में खुशियों में अता करे इंशाल्लाह। मैं रियली थैंकफुल टू ऑल। अगर मेरी जुमले से मेरी बात से किसी को हर्ट हुआ है तो आई एम सॉरी, सिंसियरली मैं अपोलोजाइज करता हूँ कि आई एम सॉरी। अगर कोई मेरी बात 10 दिन में मैंने कोई बात की और आपको हर्ट हुआ तो आई एम सॉरी। और मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था, मेरा इंटेंशन सिर्फ ये था कि मैसेज पहुँचे एंड अल्लाह कोई एक सही रास्ते पे आ जाए, वो मजलिस का मकसद पूरा होगा। बहरहाल अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे। दोस्तों ये दुआ मैं नहीं दे रहा, ये दुआ वो माँ दे रही है जिसने हुसैन को चक्किया पीस के पाला कि 10 दिन से तुम मेरे बच्चे के अजा में आ रहे थे, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार माँ दर हुसैन अजादारों की शुक्रिया अदा करती है। ये कहती है कि मेरे बच्चे के रोने वालों खुदा तुम्हारी गोदियों को आबाद रखे, कितने अच्छे दिन गुजर गए। जब ये अशरा शुरू हुआ तो ऐसे मालूम हो रहा था अभी 10 दिन हैं। रोजाना एक मुखर्रर वक्त के ऊपर 9 और 9:30 के दरमियान आप लोग यहाँ आते थे, बानियाने मजलिस गेट पे बाहर आपका इस्तकबाल करते थे। रोज घर से निकलते वक्त ये आप सोच के निकलते थे कि अब हम गुलिस्तान जाएंगे मजलिस में। लेकिन दोस्तों कल के बाद ये हिस्सा वीरान हो जाएगा, फिर कल के बाद कोई आपका इस्तकबाल करने वाला गेट पे नहीं खड़े रहेगा, फिर कल के बाद हाथों को जोड़ के कोई बीबी आपका शुक्रिया अदा नहीं करेगी कि मेरे बच्चे के आजादारों तुम्हें अल्लाह आबाद रखे, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ कि तुम मेरे हुसैन की मजलिस में आके मुझे फुर्सत दिया। कल के बाद मादरे हुसैन आपका शुक्रिया अदा नहीं करेगी, कल के बाद जब आप इस रास्ते से गुजरेंगे तो ज़रूर याद आएगी मजलिस कि अरे रोज़ हम आते थे यहाँ हुसैन की माँ आती थी। लेकिन हाय अब वो वक्त चला गया, जब आपका ये आलम है तो हुसैन के दिल से पूछो, उस बीवियों से पूछो कि जब हुसैन रुखसत होके चले गए तो जैनब का क्या हाल था। अजीजों जब आप इस हालत में जब सुनते हैं मजलिस तो आपकी हालत वो हो जाती कि हाय हुसैन चले गए। मुहर्रम आहिस्ता आहिस्ता तेजी के साथ अपनी मंजिलों की तरफ जा रहा है। एक अजीब वाकया है कि आज से 100 बरस पहले इसी हिंदुस्तान में एक मोमिना रहती थी और अंधी थी, ब्लाइंड थी, वो बेवा थी। उसकी एक लड़की थी जो हर साल जब मुहर्रम का चांद नज़र आता वो अपने घर में मिंबर को इस्ताद करती, अलम इस्ताद होते, अजादार आते, मजलिस होती, तबरुक का इंतज़ाम होता। लेकिन एक साल मुहर्रम से पहले ऐसी मुसीबत आई कि जो लड़की थी वो दुनिया से गुजर गई। अब जब लड़की मर गई तो बेटी की मैयत सामने है, ये गरीब अंधी औरत, ब्लाइंड औरत बेटी की मैयत पे बेटी का मातम नहीं कर रही बल्कि ये कहने लगी हुसैन इस साल कौन मजलिस का अहतमाम करेगा, मौला क्या इस साल आप मजलिस मेरे घर मेहमान नहीं आएंगे। रोती रही कहती रही मौला मजलिसों का इंतज़ाम कौन करेगा, मैं तो अंधी हूँ, अब लोग कैसा आएंगे, फर्श कौन करेगा, तबरुक का इंतज़ाम कौन करेगा, अब अजादारों का हाथों को जोड़ के शुक्रिया कौन अदा करेगा। दिन गुजरे, पूरे शहर में धूम हो गई कि मुहर्रम का चांद नजर आ गया। अब ये बीबी हर तरफ अलम इस्ताद हो रहे, ये बीबी का दिल भर आया। जिस हुजरे में, जिस कमरे में हर साल अलम इस्ताद होते थे उस कमरे के पास गई, जाके सर को रख के एक जुमला कहा, कहा हुसैन क्या इस साल तू मेहमान नहीं आएगा मेरे घर, मौला क्या मेरे घर मेहमान नहीं आओगे मौला। ये रो कहती जाती थी, रोती जाती थी, उसने उसके कानों में किसी के
घर के दखल बाप करने का नॉक करने की आवाज आई। इसने पूछा कौन है, तो एक बीबी की आवाज थी और कह रही थी क्या इजाजत है मैं घर के अंदर आ जाऊं। तो इसने कहा आप आइए। तो देखा कि एक बीबी है जो पर्दे में मलबूस है। आके इस नाबीना से कहा कि बीबी हम मुसाफिर हैं, चंद दिन तुम्हारे घर में ख्याम करना चाहते हैं, इजाजत है? तो इसने कहा मेरे घर में आप जरूर रहिए, लेकिन आपको पता है कि मुहर्रम का चांद नजर आ गया, हम शिया हैं, हमारे घरों में अज़ा खाना इस्ताद होता है। मेरी एक बेटी थी जो हर साल ये काम करती थी, अब वह बेटी दुनिया से गुजर गई, अगर ये काम आप करें तो जरूर रहिए मेरे घर में। तो आने वाली ने कहा है मोमिना मेरा तो काम ये है, मैं जरूर करूंगी। ये कहती है कि उस मोमिना ने अज़ा खाने को इस्ताद किया, मिंबर को बनाया, इतना हसीन खूबसूरत बना, एक एक अलम इस्ताद करती जाती थी, कहती जाती थी हाय ये मेरे हुसैन का आलम है, हाय ये मेरे अली अकबर का आलम है, हाय ये मेरे खासिम का आलम है, हाय ये मेरे आनो मोहम्मद का आलम है। एक झूले को भी इस्ताद करके कहा अरे हाय ये मेरे अली असगर का है। कहती है कि जब आलम इस्ताद हो गए, मजलिस आई, तो उस बीबी ने फर्श का अहतमाम किया, तबरुक का इंतजाम किया, जो लोग मजलिस में आते थे उनका हाथ जोड़ के इस्तकबाल किया, मजलिस में बिठाया, और जब मजलिस जाकिर शुरू करता था वो बीबी बीच में बैठ जाती और हाय हुसैन कहती। ऐसे मालूम होता जमीन और आसमान रो रहे हैं। आशूरे का दिन गुजरा, 12 मुहर्रम गुजर गई, तो इस आने वाली ने इस अंधी औरत से कहा कि बीबी अब हमें इजाजत दो, हम जाना चाहते हैं, हमारा काम हो गया। तो इस बीबी बड़ी गरीब थी, अंधी, इसके पास पैसे नहीं थे कि कुछ उजरत दूं। इसने इस बीबी को रोका, रोक के कहा बीबी जरा ठहरो। ये आशुरखाने में गई जहां अलम इस्ताद थे, वहां से जब वापस आई तो एक कपड़े में कुछ सामान रख कर लेकर आई, ला के ऐसा दिया, देते हुए जुमला कहा, कहा बीबी देखो मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारी मेहनत की उजरत दूं। ये जो हुसैन की मजलिस में रोज तबरुक बांटा जा रहा था उसमें से मैंने थोड़ा थोड़ा जमा किया था, इसे कबूल कर लो। अजीजों उस बीबी ने लिया, लेके कहा है हुसैन आज ये वक्त आ गया कि तेरी माँ को तेरी मजलिस की उजरत दी जा रही है। इस नाबीना ने पूछा बीबी तुम कौन हो, तो कहा तुम किसकी मजलिस कर रही थी, तो कहा मैं हुसैन की, कहा मैं हुसैन की माँ फातिमा हूं। इसी तरह पुरसा दो, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इस आजादारी को कायम रखे। यहां पे आखिरी मजलिस है, मैं भी रुक रुक के पढ़ूंगा, शहादत पढ़ूंगा, उस मंजिल तक आपको इंशाल्लाह लेके जाऊंगा कि आज फातिमा के दिल को सुकून मिल जाए, आज हुसैन की शहादत, उस मजलूम की शहादत के जिसको बचपने से मालूम था, जिसकी शहादत की खबर सुनकर सबसे पहले फातिमा ने जुमला कहा था कि बाबा जब मेरा बच्चा शहीद होगा तो रोएगा कौन मेरे बच्चे पर, तो रसूल ने कहा था बेटी अल्लाह एक कौम को पैदा करेगा जो तेरे हुसैन का मातम करेंगे। आज आपका ये आलम कि आखिरी मजलिस में हजारों की तादाद में यहाँ जमा हो गए, जरा सोचो आशूरे का दिन जब आया एक एक शहीद हुआ, हुसैन का ये आलम था, कभी खासिम का पामाल लाशा उठाया, कभी अली अकबर के सीने से बर्ची निकाली, कभी अब्बास के कटे हुए शानों को उठाया, कभी आना मोहम्मद की मैयतें लाई, और जब सब शहीद हो गए तो अली असगर को मैदान में लाए और कहा रे मेरे शिया होते, जब अली असगर को लेके हुसैन पलट रहे थे, खयामे हुसैनी से कुछ फासला था, हुसैन कहते जाते थे इन्ना लिल्लाहे व इन्ना इलैहि राजऊन, तो एक आदमी ने आके हुसैन को सलाम किया, सोहरा का खत था, हुसैन ने बच्ची के खत को लिया, फातिमा सोहरा ने लिखा था बाबा आपको सलाम, अम्मा को सलाम, फूफियों को सलाम, चचा अब्बास को सलाम, भाइयों को सलाम, फिर आखिर में बहन ने लिखा बाबा मेरी तरफ से मेरे भैया अली असगर के गले को प्यार करना, हुसैन तड़प गए बेटी की ख्वाहिश। इसी तरह पुरसा दो, हसन खैमे में आए,
रबाब को सूरत बताई, अली असगर को दफन कर दिया। अब हुसैन बिल्कुल अकेला हो गया, हुसैन बिल्कुल अकेला हो गया, हुसैन बिल्कुल अकेला हो गया। थका हुआ हुसैन जब खैमे में आया तो दरवाजे से नहीं आया, खैमे की पुश से आया, पीछे से आए और आके कहा, जैनब और कुलसूम तुम पर मेरा आखिरी सलाम। हजरत कोई जैनब के दिल से पूछे, जब जैनब ने यह सुना होगा कि मेरा भैया मुझे आखिरी सलाम करने आया, वो जैनब जो एक लम्हा भी हुसैन के बगैर नहीं रह सकती, उस जैनब को हुसैन ने कहा, बहन आखिरी सलाम, उम्मे कुलसूम आखिरी सलाम, रबाब तुम पर हुसैन का सलाम, ऐ लैला हुसैन का सलाम। एक एक बीवी को सलाम करके कहा, मेरी माँ की कनीज फिजा तुझ पर भी सलाम। फिर कहा, मेरे सीने पे सोने वाली सकीना, बाबा का आखिरी सलाम। अब हुसैन ने कहा, बहन मुझे बेटे के पास लेकर चलो। अली इब्न अल हुसैन के पास आए और कहा, बेटा जब कैद से छूट के वतन जाना, मेरे शियों को मेरा सलाम करना। हुसैन के सलाम का जवाब दो। कहा, जब ठंडा पानी पीना, मेरी प्यास को याद करना, जब किसी गरीब का जिक्र सुनना, मेरी गुर्बत को याद करना, उनसे कहना हुसैन ने बहुत याद किया जब एक लाश लेके आ रहा था, अरे काश मेरे शिया होते। बेटे से रुखसत होकर हुसैन जैनब के खैमे में आए, यादगार रुखसत है हुसैन की, जैनब के खैमे में आए। बहन ने कहा, भैया जरा करीब आओ। हुसैन करीब हुए, फिर जैनब ने कहा, मेरे माँ जाए जरा और करीब आ जाओ। हुसैन बिल्कुल बहन के करीब हो गए, भाई और बहन की गुफ्तगू हुई। जैनब ने, हुसैन ने वसीयतें की जैनब को कि बहने मेरे बाद एक एक चीज पे सब्र करना, बहन कभी बद्दुआ नहीं करना, बहन मेरी बच्ची सकीना का ख्याल रखना, बहन मेरे बेटे सैयद सज्जाद का ख्याल रखना। जब वसीयतें हो चुकी तो जैनब ने कहा, भैया जरा और करीब आओ। हुसैन बिल्कुल करीब हो गए तो जैनब ने कहा, भैया गले पे से रुमाल को हटाओ। हुसैन ने रुमाल हटाई, हुसैन का गला जब नुमाया हुआ, जैनब ने आगे बढ़ के बोसा दिया और कहा, ये अम्मा फातिमा की वसीयत थी, जब मेरा हुसैन आए तो उसके गले को प्यार करना। अब हुसैन को कुछ याद आया, कहा, बहन बाजू से रिता को हटाओ। जैनब ने रिता हटाई तो हुसैन ने कहा, 21 रमजान को बाबा ने कहा था मेरी बेटी के बाजुओं को प्यार करना। अजीज हुसैन चले, कभी रबाब को खुदा हाफिज का, कभी लैला को खुदा हाफिज का, बीबियों के दरमियान खैमे से बाहर आए। यादगार, यादगार रुखसत है हुसैन। बस मैंने जहमत को तमाम किया। बीबियों को खुदा हाफिज कहकर फातिमा का लाल बाहर आया। अब आशूरे के दिन असरे तंग के वक्त घर लुट गया, बच्चे जिबा हो गए, कोई हुसैन के पास नहीं है। दिन भर का थका हुआ हुसैन, सुबह से लाशें उठाने वाला हुसैन, 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन, कभी इधर देखता है कभी उधर देखता है। अरे कहता है, ऐना ऐना हबीब, ऐना ऐना ज़ुहैर, अरे कहाँ चले गए सब, कोई जुलझना लाने वाला नहीं था। हुसैन इतना गरीब हो गया था, इतना गरीब हो गया था, कोई जुलझना लाने वाला नहीं था, कोई सवार करने वाला नहीं था। जैन हुसैन की आंखों में आंसू आ गए जब हुसैन ने देखा जैनब जुलझना को लेके आ रही है। कहा, भैया आज तेरे बहन सवार करेगी। जैनब ने भाई को सवार किया, हुसैन चलना चाहते, जुलझना आगे नहीं बढ़ता। हुसैन ने जुलझना के ऊपर हाथ फेरा, कहा, जुलझना मैं जानता हूं तू बहुत थका हुआ है, सुबह से मेरे साथ साथ है, लेकिन जुलझना ये मेरी आखिरी सवारी है, अब इसके बाद तुझे जहमत नहीं है। तो देखा जुलझना है, घोड़ा है, आंखों में आंसू आ गए, रोता है, अपने पैरों की तरफ इशारा करता है। अब जो हुसैन ने देखा, सीने पे सोने वाली सकीना जुलझना के पैरों से लिपटी हुई है और कह रही है, जुलझना मेरे बाबा को मख्तल में लेके ना जा, मेरे बाबा को मख्तल में लेके ना जा। हुसैन घोड़े से उतरे, बेटी से पूछा, क्या चाहती हो? कहा, बाबा एक दफा सीने पे सुला लो। अजीज हुसैन गर्म रेत पर लेट गए, सकीना को सीने पे सुलाया,
गया। कुछ देर के बाद बच्ची की आंख खुली, कहा बाबा खुदा हाफिज। हुसैन ने कहा अभी रोक रही थी, कहा आंख बंद हुई तो दादी फातिमा आ गई, कहा बेटी हुसैन को जाने दो। बस आखिरी मंजिल हुसैन मैदान में आ गए। हुसैन की यादगार जंग है। मैदान में आने के बाद उमर साद से गुफ्तगू हुई, उमर साद को बुलवाया और कहा उमर साद इन आवाजों को बंद कर दे। लाखों का लश्कर था, यजीद को हवस थी इंसानों के जमा करने की, शहर के शहर खाली हो गए थे। उमर साद ने कहा फरजंदे रसूल, अगर मैं इंसानों की आवाजों को बंद भी करवा दूं तो जानवरों की कैसे करवाऊंगा, इन हथियारों की कैसे करवाऊंगा। तो हुसैन ने कहा है उमर साद क्या मैं बंद करवा दूं, यादगार जंग है। उमर साद ने कहा कि फरजंदे रसूल ये आपका इख्तियार। अजीज और रिवायत का जुमला है कि फातिमा के बेटे ने जमीन और आसमान के दरमियान एक निगाह डाली, चलते हुए नफस रुके, कायनात में सकता छा गया, सन्नाटा हो गया, लेकिन छोटे छोटे बच्चों की आवाजें थी जो खैमे से बुलंद हो रही थी। वो आवाजें थी अल्लाह तश अल्लाह तश, अरे हम प्यासे हैं हम प्यासे हैं। हुसैन ने कहा उमर साद इन बच्चों तक पानी भिजवा दे। उसने कहा मैं नहीं भिजवाता। अब जंग की रुदाद यह है कि हुसैन ने आस्तीन को उल्टी, इस तरह आस्तीन को उलटकर अली के लाल ने वो जंग की कि दुश्मन कहता है कि सौ सौ पे हमला करते थे और लाशों का अंबार लगता जाता था। हमीद कहता है कि हमारे दिल में ख्वाहिश हुई कि हम देखें हुसैन जंग कैसे कर रहे हैं, तो हम पहाड़ों पर गए। इसलिए दोस्तों जब हुसैन लड़ते थे ना, जब हुसैन लड़ते थे तो रिकाबों पे जोर देकर खैमे की तरफ देखते और फिर कुछ कहते, फिर लड़ते। इसलिए कि जब हुसैन खैमे से निकल रहे थे आखिरी रुख्सत के लिए आए थे तो जैनब ने दरवाजे पे रोक के एक जुमला कहा था भैया मेरे माजाए, मैं जानती हूं तू तो बहुत थका हुआ है, भूखा और प्यासा है, सुबह से लाशें उठाया हुआ है, लेकिन भैया ये दुश्मन तुम्हें बुजदिल नहीं समझे, अरे मां के दूध का असर बताना। हुसैन लड़ते जाते थे, कहते जाते थे ए जैनब देखो भूखा कैसे लड़ रहा है, प्यासा कैसे लड़ रहा है। लड़ते लड़ते दिल में ख्वाहिश हुई कि कोई दाद दे, तो कहा अब्बास उठो प्यासे की जंग देखो। अब्बास की लाश पे गए, कहा अब्बास अरे हुसैन की जंग देखो। अजीजों फिर कहने लगे अरे तुमने मेरे अली अकबर को मार दिया, तुमने मेरे अब्बास को मार दिया, तुमने मेरे कासिम को मारा। उसके बाद हुसैन पलटे, कोई तीर मार रहा था, कोई नैजा मार रहा था, कोई तलवार चला रहा था। हुसैन घोड़े से जमीन पर आए, शिविर खंजर लेकर आगे बढ़ा, फातिमा की लाल के गर्दन पे चला। ज़ैनब फरियाद करती रही यबना साद ये रसूल। वर्ल्ड इस्लामिक नेटवर्क पेश करता है दुनिया के मशहूर उलमा इकराम की नायाब तकरीरें। वर्ल्ड इस्लामिक नेटवर्क ने 70 से ज्यादा किताबें मुख्तलिफ मौजूआत पर शाय की हैं। विन की पेशकर्दा मीनिंग ऑफ इस्लाम, विन ही की पेशकर्दा प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एंड हिज प्रोजेनी, आयतुल्ला मुर्तजा मुताहरी की जिहाद, एस एस अख्तर रिजवी की फैमिली लाइफ ऑफ इस्लाम, द ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट विन की पेशकर्दा। अगर आप इन किताबों को मुफ्त हासिल करना चाहते हैं तो हमें फौरन लिखिए। हमारा पता है वर्ल्ड इस्लामिक नेटवर्क, 6769 हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम स्ट्रीट, डोंगरी, मुंबई 9।